हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्क। चलिए आज इस तरह का प्रश्न देखते हैं, जो इतने आदमी हैं, इतने दिन के लिए भोजन है, इतने श्रमिक हैं तो इतने दिन के लिए काम है, इतने सैनिक है और इतने दिन के लिए भोजन है। इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में आता है, पूछता है। ये NTPC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि 25 दिनों में काम खत्म हो जाए। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। 30 श्रमिक किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। काम पूरा कितना हो गया, तो काम पूरा हो गया 600। अब बोला है कि कितने श्रमिकों को, इसको बोला कि 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए। मतलब कितने दिनों बाद, कितना दिनों बाद जो है 10 श्रमिक को काम छोड़ देना चाहिए। तो 10 श्रमिक काम छोड़ दिया, तो श्रमिक कितना हो गया, यहाँ पे 20 श्रमिक हो गया। काम कितना दिन में पूरा कर देगा, तो काम बोला है 25 दिनों में पूरा कर देना है। तो 25, तो ये हो गया 500। अब इसको घटाएंगे, पहले जो काम 600 था, फिर 500 काम होगा, घटाएंगे तो 001, 100 काम बच गया। अब 100 काम बच गया तो 100 काम कौन करेगा, ये 10 श्रमिक जो है, जो नौकरी को छोड़ेगा वही करेगा। तो 10 श्रमिक, तो 100/10 ये कट गया, तो 10 आ गया इसका आंसर। मतलब कितनों दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद जो है ये नौकरी को छोड़ देगा तो ये काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा। 10 श्रमिक जो है नौकरी को छोड़ेगा कितना दिन, 10 दिन के बाद, 10 दिन काम करेगा और उसके बाद छोड़ देगा, तो काम इतना दिन में पूरा हो जाएगा। इसका सही आंसर आ गया ये। तो दोस्तों ये ट्रिक, ये जो है आपका, ये प्रश्न कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंच सके।